अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, डबिलपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक बेटे ने अपने ही वालिद पर हमला किया, जानलेवा हमला किया। बताया जा रहा है कि कारोबार था, दुकान थी, लेकिन बेटे ने अपने ख्वाहिशा पूरे करने के लिए खर्च में डाल दिया और वो सारा खर्च वालिद बनते रहे, कर्जा इतना हो गया और अब प्रॉपर्टी भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जब वालिद ने रोकने की कोशिश की तो उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। इसकी शिकायत लेकर वो डबिलपुरा पुलिस स्टेशन गए, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई ख़ास कार्रवाई नहीं हुई। तभी वो मीडिया से बात करते हुए कहे कि आला अहदेदारों से वो गुजारिश करते हैं कि क्या उनका कत्ल हुए तक देखा जाएगा, क्योंकि इस तरह से मारा गया है, अटेम्प्ट टू मर्डर है ये। इसके बाद भी पुलिस केस दर्ज नहीं कर रही है, मामले दफे लगा रही है। इनका मुतालबा है कि आने वाले वक्त में जान ले सकता है बेटा इनकी और मार भी सकता है, तो इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। लेकिन ना जाने पुलिस ऐसे मामलों में क्यों कार्रवाई नहीं करती और कोई बड़ा हुए तक, कोई बड़ा हादसा, बड़ा क्राइम हुए तक इंतज़ार करती है, समझ में नहीं आता है। बहरहाल पुलिस की जिम्मेदारी है कि इस पर तहकीक करे और सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि फिर कभी कोई इस तरह की हरकत ना करे। तकी रहमान की ये रिपोर्ट। आप मेरा नाम अभी मेरा नाम सैयद हबीब है। हमने मेरे बेटे को लेके मैं कारोबार करा था, बेटा गलत शॉप में जाके मेरे को 8-10 लाख में अंदर कर दिया। आप लोग पूछे तो रोडी शटर के हिसाब से मेरे को डरा धमका रहा, मार रहा है, समझे। मैं इज्जत के मारे लोगों को कुछ भी नहीं पूछा। अब उसका हाल ये हो गए, मेरा जान लेने पर तुलावा है। इतवार के दिन दुकान खोला, कहीं को पूछा, एक क्रेडिट कार्ड से पैसे 1 लाख रुपये निकाल दिया, 90,000 रुपये निकाल दिया, 1 लाख रुपये फनालिटी हुई, 10,000 रुपये फनालिटी हुई, 1 लाख रुपये वो भी नहीं बन रहा। और मेरे को पूछा तो मार के मेरे को इधर 8-9 आके लगा दिया, कान की रोली गिरा दिया, हाथ पे मारा, समझे। आगे सब लोगा गवाह है और पुलिस में रिपोर्ट लिखा तो पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं करी और सिर्फ जाके क्या बोली कि पीटी केस में बोल के बोले। उसके बाद मारा नहीं आटन को मटर बोल के डालो, वो तो ठीक है बोल के डालो, दवाखाने को जाके आया तक छोड़ दिया उसको। फिर मैं हाथ जय करा तो और ठीक है बुला के फिर आज भी छोड़ दिया उसको, कोई एक्शन नहीं ले रहे। कल के दिन मेरी जान भी ले ली तो मैं क्या करूँ, मेरे समझ भी नहीं आ रहा। ये पुलिस का ये रवैया है, मेरे संगात इंसाफ होना चाहिए, मेरे को इंसाफ पुलिस नहीं दे रही, पुलिस ढील दे रही। ये रिश्वत खारी या क्या मामला है इनका, मेरे समझ भी नहीं आ रहा। पुलिस मुजरिम को ढील दे रही और जिसको मार लगा उसको सख्ती कर रही। इसके खिलाफ मेरा अपील है कि कुछ कार्रवाई की जाए, मैं मदद चाह रहा हूँ मैं आप लोगों से और कानून से कि कुछ मेरे को कल के दिन मेरे को जान का धोखा भी है। मेरी प्रॉपर्टी नाम पे है, वो प्रॉपर्टी का मेरा जो है वो प्रॉपर्टी खा जाके मेरे को अभी तक तो 8-10 लाख में अंदर कर दिया। अब मैं भिंगा खर्चा भी फेरना अब मेरे कहने कुछ नहीं है, मैं लंगा हूँ। अब इस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ, मैं परेशान हूँ। एक तो मारों से जख्मी होगा, उन्हें तो आवारा आराम से फुर रहा, पुलिस में आ रहा जा रहा, क्या मेरे समझ भी नहीं आ रहा ये मसला क्या है। सगी औलाद है, सगी बेटा है, बड़ा बेटा है, सैयद मुजीब अली नाम है। इससे पहले भी करे है, पहली बार? हाँ नहीं नहीं, वैसे ही करते रहा 2 साल से कर रहा। तो करे साहब खानदान वाले बुलाए, समझाए भी जाए। किससे करे और वजह क्या करी? वो पैसों के बारे में हिसाब किताब जब भी पूछा तो नहीं पूछना बोलता। क्या कारोबार आपका? मेरा बेनिफिशियरी है, शटर का बेनिफिशियरी। कहाँ पर है? तंजोड़ा पे अब्दुल खाने के आगे, वो उसका बेटा बोल के भरोसे में क्रेडिट कार्ड पे पैसे निकालने दिया था, तो गूगल पे भी पैसे आते, चल जान दो ना बेटा बोल के भरोसा कहा। तो आज मेरे को ये पैदल कर दिया और उल्टा मेरे को मारा, मार के मेरे को जान से मारने के मैं बाल बाल बच गया, तो ग्रेनेड भी डाल रहा था मेरे पे। आपकी रजामंदी से निकाले क्रेडिट कार्ड उन्होंने? हाँ, आपकी मर्जी से निकाले? मेरी मर्जी बगैर पूछे निकाला रजामंदी के बाद। उसके बाद मेरे को उसे एक वक्त निकालने लगा पैसे, उसके बाद खुद ही निकाल ले रहा। निकालते निकालते अब ये ना हुआ था, अब बन रहा नहीं, 5 महीने हो गए समझे। पुलिस लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको बनना पड़ रहा है? हाँ मैं नहीं बन रहा हूँ, फोन आ रहे हैं मेरे को, फाइनलिटी पे फाइनलिटी मार रहे समझे। यहाँ मलक पे आदम को खर्चा कौन कर रहे हैं? हाँ आगे वाले ले लीजिए, कर ले रहा हूँ, नहीं कर ले रहा हूँ। आपके फर्जन? हाँ फर्जन बेटा की। आप हिसाब पूछे तो ये हमला करा
इतवार के दिन मैं वो सख्ती कंप्लेंट कब दी आप? पुलिस कंप्लेंट इतवार के दिन ही दिया हमारा एफआईआर तो आज किया। पुलिस वाले भी चले संगत, मैं बोला साहब अटन टू मर्डर में लिखो तो हाँ ये वो सब बोल के बहाने बना के ये पूरी ये कहा फट गया, ये लोल की फट गई, लोल की फट गई, आग टाके लगे खाली बिठा गाड़ी पे मारो पे बोल के ये एफ आर पे लिख दिया समझो कि क्या है, खाली मारे आपस में लड़ लिए बोलिए अटन टू मटन नहीं है। वजह क्या है पुलिस इतना ढील देने की? वही क्या ढील है, इसका क्या मसला है ये मेरे को अभी तक समझ भी नहीं आ रहा कि मुजरिम के साथ इतनी रियायती और जो मार खाए सो वाले के साथ सख्ती कर रहे। पुलिस में आ गए हम नागे में आके रिक्वेस्ट करते, ये क्या बोल रहा है कि भाई बाबू मर्डर तो नहीं करा ना बच्चा तुम्हारा, क्या मर्डर करने के बाद डेड बॉडी ये करने के बाद आप लोग उसको पकड़ते ये करते क्या समझे? वो तो वो अयूब खान नाम है उसका समझे, उन्हें मेरे को ये जवाब दिया ताकि मैं धर से तड़प रहा हूँ, उन्हें बोला बच्चों को भी छोड़ दिया, अब केस वो तो अदालत में जाओ यदि वो फिरा रहा, इनकी कोई कोई कार्रवाई एक्शन नहीं हुई। आपकी एज क्या है? मेरी 55 साल है। बच्चे की 25 साल। हाँ मेरे को यहाँ पे तो पुलिस से नागे से तो इंसाफ नहीं मिला, मेरी पुलिस कमिश्नर से रिक्वेस्ट है गुजारिश है ताकि मेरी जान की हिफाजत क्या से कदम उठाए और मेरे को सेफ्टी करे, मेरे यही मुतालबा है पुलिस कमिश्नर साहब से कि मैं ये नाके में ये क्या मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा, कमिश्नर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे खिलाफ़ कुछ एक्शन लिए, उसको कुछ पकड़े, उसको मुचलता लिखा के पाबंद कराए ताकि मैं उस होती दिन में भी मार सकता हूँ, मर्डर कर सकता, उन्हें इतना फ्री होगा उसको ढील दे दी। मैं 3 साल से मेरे पे जुल्म कर रहा मार रहा और मैं आपको 7-8 लाख में अंदर कर दिया। पुलिस में उसका मामू है और उसका खलेरा भाई है, वो मेरे भांजे हैं उसके समझे, कोटपल्ली पे है, धमकी देते रहते ज़्यादा बुलाए तो गोली से मारे थे तो तेरे को अंदर गए थे कुछ भी बोल के ऐसा डरा रही, उसके मामू आ उसके भाई आ मेरे को डरा रही, अब मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं मेहनत करके जीने वाला हूँ, हमारे भाइया बच्चे भी भतीजे भी मेहनत करके जीने वाले हैं और वो लोग ऐसे सुपर पावर ताकत बन के मेरे पे इस्तेमाल करना चाह रहे, मैं इस मुसीबत से जुड़ना चाह रहा हूँ, पुलिस कमिश्नर साहब से चाहिए कि वो मेरा मदद करे और उसको गिरफ्तार करके उससे मुचलता लिखा के कानून के हरण में लेके उसको कुछ सजा दिए, उसको जेल में भेज दिए। आपकी दुकान कौन संभालते थी? उन्हें संभालो वो बोल के दिया तो उन्हें कर दिया अंदर पूरा बेटा है बोल के बोल थे दुकान पे? मैं भी बैठता था कंपन गूगल पे एटीएम कार्ड में अंदर कर दिया पैसे पूरा उनके नाम पे था उनका। अब उसका हिसाब नहीं मिलता था? नहीं मिलता था, नहीं बताता था, पैसे पूछे ये लड़ाई झगड़ा होता था। ठीक है, दिन आखिरी मेरे पे वार हुआ और मैं इज्जत के मारे कारोबार में खराब बोलते पीता करता बोलते शिकायत करते मैं पीता हूँ भैया, पीना खाली पी लेके नाम बदनाम करके मेरे को ये करते पीते आप? नहीं नहीं वो खाली पी लेके मेरा नाम बदनाम करे और मैं शरीफ आदमी हूँ, मेरी इज्जत से मार रहा हूँ और मेरे संगत कोई इंसाफ नहीं मिला, मेरी गुजारिश है आप लोगों से और पुलिस कमिश्नर साहब से कि नाके में क्या है मारोली करके पैसे खा ले रहे या फोना करके पुलिस वाले बात कर ले रहे, उसमें मेरी जान का धमका कल भी बुलाए थे आज भी बुलाए थे जेल को भेज दिए बोले, उन्होंने घर में लेट रहा आराम से मस्त, तो आखिर कब होगा मेरे संगत इंसाफ, आखिर उसको कब मिलेंगे सजा और मेरे को छुटकारा कब मिलेगा, अगर मेरे को खुदा ना खास्ता घर में मैं होता रहा मार डाला तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे, तो लिहाजा मेरी ये गुजारिश है कि उसके मुचलता लिखा है जिम्मेदारी है उससे सब सजा दीजिए ताकि उन्हें डर डर खौफ में मेरे पे हमला ना कर सके, मेरी ये अपील है मेरी ये गुजारिश है कमिश्नर साहब से और कोई नाके वाले कोई कुछ कदम नहीं उठा रहे उसकी तरफ से, मायूसी में आप लोगों से मैं गुजारिश है आप लोगों ने आना पड़ा बोलना पड़ा मेरे।